हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। माता रानी करे आप सभी अच्छे हों, माता रानी हमेशा आपको खुश रखें। तो आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में एंड मेरा नाम है ज्योति। आज मैं आपको बताऊंगी कि बैंगन का भरता किस तरह से बनाया जाता है, तो देखते हैं वीडियो को। हाँ, उससे पहले मैं एक बात और कहना चाहती हूँ आपके साथ, तो फ्रेंड्स वीडियो को प्लीज़ पूरी देखना। तो चलते वीडियो की तरफ, देखते हैं किस तरह से बनाया जाता है बैंगन के भरते को, तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो है हम गैस को ऑन कर लेते हैं। ये देखिए मैंने गैस को ऑन कर लिया है और इसमें जो आप देख रहे हैं स्टैंड रखा है, इससे जो है बैंगन को सपोर्ट मिल जाएगी अच्छे से। मतलब देख सकते हैं आप, ये अच्छे से भून जाए। इसे अच्छी तरह से सभी तरफ जो है चारों तरफ मतलब सही तरह से अच्छे से पका देना है इसे पूरे को। तो देखते जाओ आप और जल्द जल्द से मैंने कर लेती हूँ, फिर आपको आगे बताती हूँ। तो हमने देख लो फ्रेंड, हमने जो है इसमें फूड ऑयल जो हमने डाल दिया है, इससे हम अच्छे से गर्म होने देंगे। गैस को रखेंगे हम मीडियम फ्लेम में। तो देखिए फ्रेंड, जो हमारा जो है वो ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे जीरा 1 स्पून, हम डालेंगे इसमें धनिया और साथ में 1 स्पून हम मेथी को भी डाल देंगे। अब हम इसे अच्छे से ब्राउन होने देंगे थोड़ा सा। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा अच्छे से ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज जो हमने अच्छे से डाल दिया है इसमें, इसे हम अच्छे से ब्राउन होने देंगे और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। तो अब हम ये जो हमारा जो प्याज है वो अच्छे से ब्राउन हो चुका है, अब इसमें टमाटर डाल देंगे हम और इसके ऊपर जो हमें हल्दी डालेंगे। टमाटर थोड़ा सा ज़्यादा डाल सकते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे हो तो आप 2 डाल सकते हैं और बड़ा हो तो अच्छा रहेगा 1 भी। वैसे टमाटर इसमें ज़्यादा ही लगता है तो इसीलिए आपको ज़्यादा टमाटर डाल रहे हैं, मतलब 1 डाल सकते हैं, 2 भी डाल सकते हैं आप। थोड़ा सा हमने इसमें नमक डाल देंगे, ये जो हमारे टमाटर अच्छे से गल जाएंगे इसकी वजह से। अब हम इसे ढक्कन लगा देते हैं और 2 मिनट के लिए टमाटर को गलने देते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो हमारे जो है टमाटर मतलब अच्छे से गल गए हैं, इसे हम अच्छे से हिला देते हैं। आप इसे इस तरह से भी इसे थोड़ा सा मतलब मैश कर सकते हैं कच्ची के साथ। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो है अच्छे से मैश हो चुके हैं हमारे जो है टमाटर, और तड़का जो है हमारा बिल्कुल बनकर जो है तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स देखिए जो हमारा तड़का अच्छे से बन गया है, अब हम गैस को बिल्कुल लो कर देंगे, लो फ्लेम, और इसमें जो हमने दही डालेंगे तो थोड़ा सा ठंडा होना चाहिए तड़का। तो हमने जो है गैस को बिल्कुल लो कर दिया है और 2 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए जो हमारा तड़का जो है मतलब जो मसाला हमने बनाया है तैयार किया है वो थोड़ा थोड़ा ठंड चुका है। तो अब हम इसमें जो है वो दही है जो हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स जो हमने इसमें है दही वो डाल ली है। दही आपको जो तड़का जो आपने मसाला बनाया है उसे ठंडा करके ही डालना है। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। देखिए फ्रेंड्स ये जो है हमारे जो है बैंगन वो मैंने जो इनके जो छिलके हैं वो पहले ही निकाल लिए थे, मैं मतलब जो गर्म थे तो मैंने उसी वक्त थोड़ा ठंड कर निकाले हैं। इस छिलके निकालने का एक आसान तरीका और भी है, आप इसमें मतलब पहले से ये गर्म होते तो पानी में डाल कर रखें और उसके
उसके बाद जो आप छिलके निकाले उसकी वजह से छिलके जो है आपके जल्दी निकल जाते हैं। और इसे ऐसे अच्छे से मैं इसे मैश कर रही हूँ चम्मच के साथ, आप भी इसे अच्छे से मैश कर लीजिएगा पहले। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से जो है मैश हो चुके हैं। अब हम इसे डाल देंगे जो हमने मसाला जो कढ़ाई में तैयार किया है उसमें डाल देंगे इसे। फ्रेंड्स, ये जो है हमने इसे इसमें डाल लिया है जो ये बैंगन थे हमने जो मैश किए थे, और हम इसे अच्छे से मिला रहे हैं। आपने भी इसे अच्छे से मिला लेना है। और इसमें जो हम डालेंगे जो नमक देखिए डालेंगे हम फ्रेंड्स, इसमें, जो है मैं इसमें नमक को डाल रही हूँ। नमक हमने पहले भी डाला था तो ध्यान से रखना, ध्यान रखना नमक का, ज़्यादा नहीं होना चाहिए नमक। हमें इसे अच्छे से मिला लेंगे नमक जो हमने डाला है। हमने जो है गैस की फ्लेम जो है मीडियम रखनी है। अब हम इसे अच्छे से थोड़ी देर के लिए हम पकने देंगे, 2-3 मिनट के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हमें इसे अच्छे से 2-3 मिनट के लिए पकने देते हैं। तब तक के लिए हम इसे बंद कर देते हैं, फिर देखते हैं उसके बाद। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमने इसे 5 मिनट के लिए रख लिया था, और ये जो है हमारा बिल्कुल भरता जो है बैंगन का बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। तो हम गैस को कर लेते हैं हम बंद, और मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ कैसा फ्रेंड्स, जो बनेंगे। हमारा बैंगन का भरता बिल्कुल तैयार हो चुका है बनकर, और देखिए आप भी कितना अच्छा लग रहा है ये, और इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है, सारे घर में इसकी खुशबू हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज लाइक करके बताना एंड कमेंट करना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन घंटी को ऑल कर देना ताकि मैं अगली जो भी मतलब वीडियो डालूँ तो आप तक वो पहुँचती रहे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।